फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी मसाला। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पाव, 3 आलू, 1 गाजर, वो मटर फ्रेश है, 1 कटोरी, कुछ गोभी, बीटरूट मैंने कलर के लिए डाला है। उसके बाद 1/2 kg टमाटो हो, 3 प्याज है, 1 शिमला मिर्च है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून है, हल्दी है और कलर थोड़ा सा। फिर उसके बाद है बटर और पाव भाजी मसाला। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को काट के बॉईल करने डालूंगी। मैंने डाला है गोभी, बीटरूट, अभी डाल रही हूँ गाजर, ये फ्रेश मटर है फ्रोजन वाले 1 कटोरी, आप चाहो तो पकाते समय भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आलू और 1/2 ग्लास पानी डाल के मैं इसे 3 सीटी आते तक पकने रख दूंगी। अब ठंडा हो गया है, सबसे पहले मैं आलू को निकाल के मैश करूंगी, फिर उसके बाद बाकी की सब्जियों को मैश करूंगी। यहाँ पे पाव भाजी में सबसे मेन भाजी को मैश करना है। आप भाजियों को जितना ज़्यादा मैश करोगे पाव भाजी उतना ही टेस्टी बनेगा। मैंने आलू को मैश कर लिया है, अब बाकी के वेजिटेबल्स को भी मैं मैश कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग तो मैश करेंगे ही, कढ़ाई में भी हमको मैश करना है। अब वेजिटेबल मैश हो गए हैं, ये जो बाकी बचा पानी है सब्जी हम लोग बॉईल करते समय वो भी हमें उसी में डालना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। अब मैंने रखा है बर्तन रख के गर्म कर दिया। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बटर डालूँगी तो बटर जल जाएगा। अराउंड 1/2 स्पून मैंने ऑयल डाला है, उसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ बटर अराउंड 1 स्पून है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा भून के अब मैं इसमें डालूँगी प्याज बारीक कटा हुआ। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, प्याज को हल्का सा भुनना है, थोड़ा सा बस उसका कलर चेंज होना, ब्राउनिश नहीं करना है। प्याज हल्का भुन गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। पाव भाजी में मेन है आलू, शिमला मिर्च, मटर, बाकी सारे ऑप्शनल है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अभी मैंने डाला है 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। लगातार हमको चलाना है, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे बर्तन में लग जाएगा। मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ। अब मैंने इसमें डाला है टमाटर अराउंड 1/2 kg है। मुझे खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। फिर मैंने नमक डाला है, नमक डालने से थोड़ा सा टमाटर जल्दी पक जाएगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी। ढकने से टमाटर जल्दी गल जाएगा। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। मैंने डाला हल्दी के बाद डाल रही हूँ मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है जो दिखता लाल है पर उतना तीखा नहीं रहता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रीट फूड, जैसे हमारा स्ट्रीट फूड का कलर होता है वो कलर लाने के लिए डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। बीटरूट का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल जिसको हमने मैश कर लिया था, आलू, गोभी, गाजर, बीटरूट, सबको मैं इसमें डाल रही हूँ। डाल के मैं इसको अभी अच्छे से मिक्स करूँगी। कंटिन्यूसली हमको मिक्स करना है ताकि कढ़ाई में ना लगे। मिक्स करके अब मैं इसको मैशर के साथ एकदम मैश करते हुए पकाऊंगी। इसको आप जितना ज़्यादा मैश करोगे ये उतना ही टेस्टी रहेगा। और मैश करते समय हमें एक साथ पानी नहीं डालना, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा पानी डालना है, मैश करना है। एक साथ अगर पानी आप डाल दोगे तो अच्छे से मैश नहीं होगा। मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैश करके मैं इसमें अभी थोड़ा सा और पानी डालूंगी। ऐसा पानी थोड़ा थोड़ा करके मैंने अराउंड 1 ग्लास पानी इसमें डाला है। मैं इसको कंटिन्यूसली मैश कर रही हूँ। पाव भाजी स्पेशली मुंबई का डिश है, महाराष्ट्रियन डिश है। पाव मतलब ब्रेड, भाजी मतलब मराठी में सब्जी। पाव भाजी बेसिकली वैसे तो महाराष्ट्रियन डिश है, बट आज की डेट में ये ऑल ओवर इंडिया में सबका फेवरेट डिश बन गया है, फेवरेट स्ट्रीट फूड बन गया। इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल है, बटर है, तो ये बहुत टेस्टी भी है, साथ में बहुत हेल्दी भी है। अब मैंने इसमें डाला है नमक डाल के अब मैं इसमें डालूंगी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैंने मार्केट का यूज़ किया है, आप घर का भी यूज़ कर सकते हो। 1 स्पून मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, डाल के मैं अभी इसको अच्छे से चलाते हुए पकाऊंगी। ये पाव भाजी का बेस है, पाव भाजी बन गया है। आपके यहाँ बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, स्मॉल गेट टुगेदर हो तो आप पाव भाजी बना के रख लेना, और जब गेस्ट आएंगे तब गरम करके तवे पे ब्रेड को सेक के सर्व करना। बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत यम्मी लगेगा। अभी मैंने डाला था धनिया पत्ती और थोड़ा सा बटर जितना डालोगे उसका फ्लेवर उतना अच्छा आएगा। अब हमारा पाव भाजी बन गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गैस ऑफ करने के पहले कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालूंगी। ऐसा करके डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बन गया है, मैं इसको 1 मिनट तक और पकने दूंगी, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारा पाव भाजी बनके रेडी है। अब मैं सेकूंगी ब्रेड। अभी मैंने सबसे पहले तवा रखा, यहाँ भी मैंने छोटा तवा यूज़ किया। अब बड़ा सा अगर आपके पास फ्राई पैन होगा तो वो ले लेना। मैंने बटर डाला, बटर जैसे गर्म हो गया उसमें कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अब मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ हमारा भाजी।
भाजी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। भाजी आप उतना ही डालना जितना आपको सर्व करना है, डाल के इसको अच्छे से पकाना। ऐसे करने से बहुत टेस्टी आता है। मैं स्ट्रीट वाला पाव भाजी बता रही हूँ इसलिए मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी थोड़ा सा पानी डालियो, अगर आपको पतला करना है तो आप पानी ऐड करना, अदरवाइज मत डालना। मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। सेम पैन पे मैं डाली हूँ 1 स्पून बटर, धनिया पत्ती। मेरा पैन थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप फ्राई पैन यूज़ करना अगर 2-3 जन के लिए बना रहे हो तो। उसी में ब्रेड को भी सेकना। अब मैं ब्रेड डाली हूँ, ब्रेड डाल के मैं भाजी को उसमें लगाते हुए अच्छे से सेक रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग स्ट्रीट में पाव भाजी खाते हैं, जो भी सेलर है जिस तवे पे पाव भाजी बनाता है उसी पे ब्रेड सेकता है, इसीलिए वो वाला जो ब्रेड है पाव वाला वो बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैंने थोड़ा सा और बटर डाला, बटर डाल के इसको ऊपर नीचे जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी या शाइनिंग लुक ना आए तब तक मैं इसको सेकूंगी। ऐसे करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस पाव भी बन गया है, अब मैं इसको निकालूंगी प्लेट में, साथ में थोड़ा सा प्याज और नींबू, ऊपर से डालूंगी धनिया पत्ती और बटर। बस हमारा टेस्टी पाव भाजी बनके रेडी है। आप भी बनाइए और बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।